हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर के आ गई हूँ। एक हफ्ते से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी दोस्तों, जैसा कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से परसों बताई हुई थी कि दोस्तों मैं स्कूल ज्वाइनिंग के चलते ज्वाइनिंग लेटर लेना, बिरमन करना, सभी प्रोसेस में स्कूल ज्वाइन करना, इसमें बहुत ही दौड़ धूप करना पड़ा, जिसके चलते मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं अपलोड कर पाई। तो दोस्तों, जैसा कि मैं फिर से आप लोगों के समक्ष आ गई हूँ और आपके पास टाइम भी बहुत कम है। आज 26 फरवरी हो गया दोस्तों और आपका 7 से स्टार्ट हो जाएगा, 17 फरवरी तक, मार्च तक, 7 से 17 मार्च तक, और इसके बीच में कभी भी आपका एग्जाम पड़ सकता है। और जैसा कि आपके मन में एक निराशा की भावना जरूर होगा दोस्तों कि इतना कम सीट आया हुआ है फिजिकल एजुकेशन का, महिलाओं का ओनली 5 सीट आया हुआ है, पूरा मिलाकर के 55 सीट ही दिया हुआ है। तो इतना तो आशा नहीं था कि इतना कम सीट दिया जाएगा, बट ये कहा जा रहा है कि TRE 4 में अच्छा सीट आएगा, 9th-10th में और 6th-8th में भी सीट आएगा। तो अभी का समय न देखते हुए दोस्तों, हार जीत का चिंता न करते हुए आप सिर्फ तैयारी कीजिए और इसमें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो अगले अटेम्प्ट की तैयारी जरूर कीजिए। और MP वर्ग 2-3 जो भी परीक्षा दिया हुआ था उसका भी अगस्त में एग्जाम होगा। जो भी MP का जो टेट है पास होगा दोस्तों, वह अगस्त में उसके लिए एक चांस आया हुआ है और आपके पास टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कहीं ना कहीं आपको जरूर सफलता मिलेगी दोस्तों। कभी भी जो मेहनत होगा वो बेकार नहीं जाता, तो आप ये निराशा में मत रहिए कि इतना कम सीट आया है। यही जो आप अभी तैयारी करेंगे वो अगले अटेम्प्ट में आपको सफलता दिलाएगी, अगर इसमें नहीं होता है तो। इसलिए निराश मत होइए, आपके पास चांस है। MP में जो भी MP टेट पास है उनके लिए भी चांस है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और मैं आपको डेली बेसिस से प्रैक्टिस कराऊंगी। अभी तो BPSC 10-15 दिन इसका प्रैक्टिस कराने के बाद मैं MP के लिए क्लास शुरू कर दूंगी और जो BPSC TRE 4 आएगा उसके लिए भी, तो आप निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों, चलते हैं फटाफट से, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आपके मुख्य मुख्य पॉइंट पर मैं फोकस करती हूँ। तो आज के क्वेश्चन पर चलती हूँ। आज के क्वेश्चन 32 क्वेश्चंस हैं। अब मैं कोशिश करूँगी कि दोनों टाइम आपको वीडियोज दे सकूँ, और नहीं भी दे पाऊँगी दो टाइम तो एक वीडियो डेली मैं जरूर पोस्ट करूँगी दोस्तों। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि मांसपेशियां हमारे शरीर के भार का लगभग कितने % हिस्सा लेती हैं। तो क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड नहीं पूछता, जो आप पढ़े हैं वही पूछा जाता है, बस उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, परीक्षा में नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करे रहेंगे तो वहां पर जल्दी आंसर खोज लेंगे। तो मांसपेशियां हमारे शरीर के भार का लगभग कितनी % हिस्सा होती है। तो कुल शरीर के भार का 45% भाग मल्ली हमारी मांसपेशियों का होता है, जिसमें से 40% केवल कंकाल मांसपेशियों यानी कि रेखित पेशियों यानी स्केलेटल मसल्स की होती है। कुल 639 मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, और जिसमें से 400 मांसपेशियां केवल रेखित पेशियों यानी कंकाल पेशियों की संख्या होती है। और मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगी जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए उस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं, जिससे आपको कन्फ्यूजन जो है वो दूर रहे। तो मांसपेशियों का अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। अब मांसपेशी कोशिकाएं जो है भ्रूण के मीसोडर्म से बनते हैं, याद रखिएगा, मांसपेशी कोशिकाएं भ्रूण के मीसोडर्म से बनते हैं। और इसका अपवाद है दोस्तों, आंखों की जो आयरिस एंड सिलियरी मसल्स होती है वो भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है, उसके अलावा सभी मांसपेशी कोशिकाएं भ्रूण के मीसोडर्म से बनती है। और जो मसल्स होती है हमेशा मोटर के रूप में यानी मोटर गति के रूप में कार्य करती है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि सर्वाधिक पेशियां हमारे पीठ में पाई जाती है, 180 मांसपेशियां, और मुस्कुराने के दौरान मुख में 12 पेशियां कार्य करती हैं। और 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक मसल्स यानी रेखित, अरेखित और हृदय पेशी।
एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको बड़ा कर लूँ दोस्तों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्न में से कौन एक मांसपेशी नहीं है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप सोचते हैं कि हमको सब याद है, उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस में गलत आंसर टिक हो जाता है। यहाँ पे धारीदार मांसपेशियाँ, विनाशकारी वाली, बिना धारीदार वाली मांसपेशियाँ और हृदय मांसपेशियाँ, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है, रेखित पेशियाँ, उसको धारीदार मसल्स भी कहते हैं। और जो हमारी अरेखित पेशियाँ होती है, अनैच्छिक, उसको अधारीदार यानी कि बिना धारीदार वाली कहते हैं। और जो हृदय पेशियाँ होती हैं, ये 3 प्रकार की मसल्स होती हैं, जिसमें से पैरों की मांसपेशियाँ ये मांसपेशी के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मांसपेशी हमारी इच्छा शक्ति से कार्य नहीं करती है। तो दोस्तों धारीदार मांसपेशी हमारे इच्छा शक्ति से काम करती है, जैसे कि हमारा जो मस्तिष्क ब्रेन से कोई सूचना हमारे मांसपेशियों तक आएगा, यानी कि जब विभाग से यानी कि तंत्रिकाओं से संवेग पेशियों में मिलते हैं, तभी पेशियों में हलचल होती है, और इसलिए रेखित पेशियों को वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। जो रेखित पेशियाँ होती हैं वो हमारे हड्डियों से टेंडन्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। हमारी इच्छा होगा कि हम इस काम करें या ये बुक को उठाएं, इस सामान को उठाएं, तभी हम उठाएंगे, इच्छा नहीं रहेगा तो नहीं उठाएंगे। एंड बिना धारी वाली मांसपेशियाँ ये भी इच्छा शक्ति से काम नहीं करती, और हृदय मांसपेशियाँ, तो यहाँ पे जिस आसन दिया हुआ है उसके हिसाब से हृदय मांसपेशियाँ आपका राइट होगा कि कौन सी मांसपेशी हमारी इच्छा शक्ति से कार्य नहीं करती। तो दोस्तों हमारी इच्छा शक्ति से कार्य तो हमारी अरेखित और हृदय मांसपेशियाँ दोनों नहीं करती हैं, तो और जो रेखित पेशियाँ होती हैं, ऐच्छिक पेशियाँ, वो हमारे इच्छा से काम करती हैं। और जो दो प्रकार और दो होती हैं, अरेखित और हृदय पेशियाँ, वो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन सी ही राइट दिया हुआ है, जबकि आपको BPSC एग्जाम में ऑप्शन 5 देता है, जिसमें से एक ऑप्शन देता है इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर दो गिरेगा तो बिना धारीदार वाले मांसपेशी यानी कि अरेखित पेशी भी और हृदय पेशी दोनों हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, तो वहां पे एक से अधिक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, मांसपेशियां किसकी सहायता से अस्थियों के साथ जुड़ी रहती है। दोस्तों तो ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है, इसलिए इसमें गलती मत कीजिएगा। तो हमारी मांसपेशियां जो है हमारी अस्थियों से टेंडन्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं, जबकि हमारे दो अस्थियां जो है जोड़ों पर लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती हैं। टेंडन्स के चोट को या टेंडन्स या मांसपेशियों को अधिक खिंचन को स्ट्रेन यानी कि खिंचाव कहते हैं, और जबकि लिगामेंट के अधिक खिंचन को मोच यानी स्प्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों मांसपेशियों में संकुचन शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं, तो कौन करता है। दोस्तों कौन संकुचन प्रसार करता है, जो हमारे अंदर मसल्स फाइबर यानी कि जो पेशीय तंतु होता है वह शक्ति प्रदान करने का काम करता है, संकुचन शक्ति। यहाँ पे मायोफाइब्रिल्स यानी धागे हो जाएंगे दोस्तों, ये धागे जो मसल्स फाइबर्स होते हैं, मसल्स जो तंतु होती है 2 प्रकार की होती है, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। जो रेड मसल फाइबर होती है दोस्तों वह स्लो ट्विस्ट यानी धीरे धीरे संकुचित होती है, जो इंड्योरेंस वाले एरोबिक क्रिया वाले में काम देती है, जबकि जो व्हाइट मसल फाइबर होता है वो फास्ट ट्विस्ट यानी जल्दी जल्दी ट्विस्ट होती है, जो शक्तिवर्धक यानी कि हाई इंटेंसिटी कम समय वाली क्रियाओं में यानी अन एरोबिक क्रियाओं में ज़्यादा काम करती हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि रक्त संस्थान की एक वाहक नलियां, सॉरी दोस्तों रक्त संस्थान की रक्त वाहक नलियां निम्नलिखित एक नहीं है। तो रक्त संस्थान जो है रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है उसके अंदर हमारी आर्टरीज यानी धमनियां, सिराएं यानी वेन्स, ठीक है, यहाँ आर्टरी यानी धमनियां भी होती हैं, सिरा यानी वेन्स भी होता है, केशिका यानी कि कैपिलरीज भी होता है, बट फेफड़ा रक्त संस्थान में नहीं होता, नलिकाएं नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने का
अलग क्वेश्चन है और हृदय तक पहुंचाने का कार्य अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा दोस्तों, अशुद्ध रक्त को सारे शरीर से हृदय तक लेकर आता है हमारी कौन, सिराए आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हमको स्क्रॉल करना होगा, जाना होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या था कि अशुद्ध रक्त को हृदय तक कौन पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाता है दोस्तों, सिराए पहुंचाती हैं। अशुद्ध रक्त को हृदय तक कौन पहुंचाता है, सिराए पहुंचाती हैं। और शुद्ध रक्त को हमारे पूरे शरीर तक कौन पहुंचाता है, तो धमनियां पहुंचाती हैं। ठीक है, जो बायां निलय के संकुचित होने पर शुद्ध रक्त एरोटिक यानी महाधमनी में जाता है और वहां से धमनी महाधमनी की कई शाखाएं निकलती हैं और जिससे समस्त शरीर में रक्त जो है वो पहुंचा दिया जाता है। जबकि अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए कौन ले जाता है, तो पल्मोनरी धमनी। याद रखिएगा, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त। जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद क्या है कि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। जो पल्मोनरी धमनी होता है वो अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है शुद्ध करने के लिए। वहां शुद्ध होने के बाद शुद्ध रक्त को पुनः पल्मोनरी सिराएं जो है वो बाएं अलिंद में ले जाती हैं। अब बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाता है, बाएं निलय के संकुचन होने से वह महाधमनी में जाता है एरोटिक वाल्व के रास्ते, और महाधमनी से समस्त शरीर में विभिन्न शाखाओं द्वारा पहुंचा दिया जाता है। तो ये कन्फ्यूजन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक शरीर को जीवाणु नाशक शक्ति प्रदान करता है दोस्तों, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो संक्रमण से हमारी बॉडी को रक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, संक्रमण से हमारी बॉडी को क्या करती है, रक्षा करती है कौन, WBC यानी कि वाइट मसल्स फाइबर। इसमें जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो जो डी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो लिम्फोसाइट्स होता है वह बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, और मोनोसाइट्स जो होता है वो बैक्टीरिया को भक्षण करने यानी खाने का काम करता है। उसमें जो एंटीबॉडीज होता है वो बैक्टीरिया को पहचानने का काम करता है। तो सबसे बड़ी WBC कोशिका होती है मोनोसाइट्स, एंड सबसे छोटी WBC कोशिका होती है लिम्फोसाइट्स। और जो उसमें टी लिम्फोसाइट्स होता है बैक्टीरिया को मारता है, और जो WBC में एंटीबॉडीज होती है वो बैक्टीरिया को पहचानने का कार्य करता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, रक्त को जमाने में सहायक होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो जब रक्त कणिकाओं की बात करें तो उसमें रक्त को जमाने का काम करता है थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। एंड जब आपको ब्लड प्रोटीन की बात करें तो रक्त प्रोटीन में आपका थ्रोम्बोसाइट प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन जो होता है, जिसका निर्माण रक्त यकृत में होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का, जो पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। तो दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन भी रक्त को जमाने का सहायक होते हैं। और जब मिनरल्स में पूछे यानी खनिज लवण में पूछे कि कौन सा ऐसा तत्व है जो खनिज रक्त को जमाने में सहायक होता है, तो कैल्शियम होता है। तो यानी कि रक्त को जमाने में सहायक आपका थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन सभी करते हैं। यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट एंड कैल्शियम दोनों हो जाएगा, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट एंड कैल्शियम दोनों हो जाएगा। तो चार ऑप्शन दिया है तो एक ऑप्शन ही चुनना होगा, अगर पांच ऑप्शन एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं दिया रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती हैं। तो आप सबको पता है दोस्तों कि RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो हीम प्लस प्रोटीन, हीम प्लस ग्लोबिन यानी कि हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसका काम होता है हीमोग्लोबिन जो है आयरन की उपस्थिति के कारण ही, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन जो है एक पिगमेंट होता है, और दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेकर के हमारे कोशिकाओं तक पहुँचाता है, जहाँ पे वायवीय श्वसन जो कोशिकीय श्वसन में दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, जो अवायवीय श्वसन यानी और
एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है और वहाँ पे 2 पाइरुविक अम्ल यानी 2 ATP का निर्माण होता है। वही पाइरुविक अम्ल पुनः जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ पे वायवीय श्वसन के द्वारा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है जिसमें 36 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार कोशिकीय श्वसन में कुल 38 ATP का निर्माण होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है जो ग्लूकोज होता है वो ATP में कन्वर्ट होता है यानी ऊर्जा बनाने का काम करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कि कठोर व्यायाम करने पर रक्त का दबाव अधिकतम पहुंच जाता है तो जो ब्लड प्रेशर होता है सामान्यतः 120 से 180 होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है सामान्यतः 120-80 होता है, लेकिन जब कठोर व्यायाम करते हैं तो उस समय जो अधिकतम ब्लड प्रेशर होता है 180 mmHg तक पहुंच जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नासिका के दोनों द्वारों के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जो एक तरल पदार्थ छोड़ती है, इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उस तरल पदार्थ को म्यूकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूकस, जो आने वाले बाहर के धूल कण बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकती है, इसलिए नाक से सांस लेने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, नासिका के अंदर पाई जाने वाली झिल्ली एक तरल पदार्थ म्यूकस छोड़ती है जो किसमें सहयोग करती है? तो यह सहयोग करता है तरल पदार्थ तथा बाल मिलकर धूल जो कण होते हैं वायुमंडल में वह जीवाणुओं के प्रवेश न करने में सहयोग करती है। नेक्स्ट है टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? तो दोस्तों टाइडल वॉल्यूम जो होता है वह जो सामान्य अवस्था में हम सांस अंदर और बाहर निकालते हैं, अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, उसी को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे फेफड़ों की कोशिका, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? तो टाइडल वॉल्यूम वायु की वह मात्रा जो साधारण श्वास लेने में फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा बाहर आती है। जैसे कि मैंने श्वसन तंत्र में रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है दोस्तों कि टाइडल वॉल्यूम इसमें वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी निकाला जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसा कि BPSC में पूछा भी था दोस्तों इस बार, तो हर एक पार्ट से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा गया था, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा था, 5 ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो दोस्तों जैसे कि वाइटल कैपेसिटी होता है क्या? वाइटल कैपेसिटी वो होता है कि अधिकतम अंतः श्वसन के बाद यानी कि इंस्पायरेशन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है वह होती है वाइटल कैपेसिटी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये फेफड़ों की वह क्षमता होती है जो एक बार पूर्ण रूप से अंतः श्वसन यानी कि इंस्पायरेशन करके पूरे बल के साथ जो हवा वह श्वसन द्वारा यानी कि एक्सपायरेशन के द्वारा बाहर निकाली जाती है उसकी मात्रा को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इसके बाद जो हमारे अंदर कुछ वायु बची रहती है उसको अपशिष्ट वायु यानी कि रेसिड्यूल एयर कहते हैं, जैसा कि BPSC में आपके पूछा हुआ था। और टाइडल वैल्यू मैंने आपको बता दिया, जो सामान्य अवस्था में आप सांस को अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं यही आपका होता है टाइडल वैल्यू यानी कि प्राणवायु। एंड एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एयर जिसे पूरक वायु कहते हैं, यानी कि सामान्य श्वसन के बाद यदि वायु और जोर से श्वास लेकर फेफड़ों में ली जाए तो उसे हम पूरक वायु या कॉम्प्लीमेंट्री एयर कहते हैं। एक होता है सप्लीमेंट्री एयर परिशिष्ट वायु, यानी गहरी श्वास द्वारा वायु को बाहर निकालना यानी एक्सपायरेशन करना, उसे हम सप्लीमेंट्री एयर परिशिष्ट वायु कहते हैं। एक होता है आपका रेसिड्यूल एयर यानी कि अवशिष्ट वायु, यानी कि पूरे बल के साथ एक्सपायरेशन यानी कि वाह श्वसन के पश्चात फेफड़ों में जो बची हुई हवा होती है उसे रेसिड्यूल एयर यानी अवशिष्ट वायु कहते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर होता है 3000 ml प्लस सप्लीमेंट्री एयर होता है 1100 ml। अगर पूरा को जोड़ देंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका 4600 ml
यानी कि अगर पूछेगा कि वाटल कैपेसिटी यानी प्राणधार क्षमता कितनी होती है कुल, तो आप निकालिएगा टेंडर वैल्यू प्लस कंप्लीमेंट्री है प्लस सप्लीमेंट्री है, इस साधारण अवस्था में है 4600 ml। एंड जब टोटल लंग कैपेसिटी निकालने का सूत्र होगा दोस्तों, यहाँ पे रेसिडुअल एयर नहीं जोड़ा गया है, तो टोटल लंग कैपेसिटी जो होता है यानी कि वायु की वह कुल मात्रा जो फेफड़ों द्वारा समा सकती है फेफड़ों में, उसी टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि फेफड़ों की कुल क्षमता बोला जाता है। टोटल लंग कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि अवशिष्ट वायु। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी हमारी 4600 ml, प्लस अवशिष्ट वायु होता है 1200 ml, पूरा जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5800 ml यानी कि 5.8 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, पुरुषों के फेफड़ों में वायु अंदर ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता कितनी होती है। तो अधिकतम टोटल लंग कैपेसिटी तो 5.8 लीटर हो जाएगा, 5 से 8 लीटर, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4800 ml। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4800 ml। क्योंकि ये सभी तो होंगे नहीं, जो सबसे ज्यादा दिख रहा है वही आपका राइट होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, स्त्रियों के फेफड़ों में वायु अंदर ग्रहण करने की क्षमता कितनी होती है, तो वो हो जाएगी आपका 3100 cc। नेक्स्ट है, फेफड़ों में वायु को अंदर ग्रहण करने की क्षमता को नापा जाता है। तो दोस्तों फेफड़ों की क्षमता को, सांस लेने की क्षमता को, वायु को अंदर ग्रहण करने की क्षमता को आता है, मापता है स्पायरोमीटर से। नेक्स्ट है, भोजन आमाशय में कितने घंटे तक रहता है। तो दोस्तों आप भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया होती है, पांच होती है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एंड अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एंड बहिष्करण, जिसमें से जब हम सबसे पहले भोजन मुख में लेते हैं तो मुख में हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथि होती है, जिससे टैलिन नामक एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। तो जैसे कि पाचन जो है हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, और पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, पूर्ण पाचन और अवशोषण, एंड कुछ भाग का पाचन आमाशय में हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि भोजन आमाशय में कितने घंटे रहता है, आमाशय यानी पेट यानी स्टोमच, तो इसमें 1 से 3 घंटे तक जो भोजन होता है जब हम खाते हैं तो हमारे आमाशय यानी पेट में रहता है, उसके बाद जाता है छोटी आंत में, जहाँ में 1 से 6 घंटे तक वहाँ रहता है, यानी कि 4 से 5 घंटे में आपका जो भोजन होता है पूर्ण से पच जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन छोटी आंत में कितने घंटे तक रहता है। दोस्तों तो छोटी आंत में भोजन जो है आमाशय में, तो आपने देख लिया 1 से 3 घंटे तक, यानी ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे तक रहता है। उसके बाद पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है, जहां वो 2 से 6 घंटे तक आपका रहता है, तो यहाँ पे 2 घंटे आपका मिनिमम रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है, तो 18 इंच राइट होगा। नेक्स्ट है, वाई लुक्वीन वहां पाए जाते हैं, तो वाई लुक्वीन जो होता है वह पित्त रस में पाए जाते हैं। यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट, तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तंत्रिकाएं यानी न्यूरॉन्स की बात कर रहा है दोस्तों, जो हमारे तंत्रिका तंत्र की इकाई, संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो है वह 3 प्रकार के पाए जाते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन यानी कि संवेदी न्यूरॉन भी कहते हैं, एक मोटर न्यूरॉन, एक इंटरमीडिएट न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती है वो संवेगों को यानी संदेशों को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यानी ज्ञानेंद्रियों से लेकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। और जो मोटर न्यूरॉन्स होती है वह संदेशों अथवा उद्दीपनों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी कि मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न कार्यकारी अंगों यानी पेशियों तक पहुँचाते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप पेशियाँ जो है वो कार्य करती हैं। तीसरा होता है इंटरमीडिएट न्यूरॉन, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्थित होता है, इसका बाहरी वातावरण से कोई संपर्क नहीं होता। ये तो न्यूरॉन यानी कि तंत्रिकाओं के प्रकार पूछा है, तो 3 प्रकार हो गए, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटरमीडिएट न्यूरॉन।
जब तंत्रिकाएं यानी कि न्यूरॉन्स का भाग पूछेगा कि कितने भाग होते हैं, कि मुख्य रूप से तो तीन भाग होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी जो होता है वह इसका मुख्य केंद्र होता है, जो सेल बॉडी होता है गोलाकार पिंड होता है इसको, एंड डेंड्रॉन्स जो होता है ये न्यूरॉन्स प्राप्त करता होता है। डेंड्रॉन्स जो होता है दूसरे न्यूरॉन से संदेश को प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर संदेश को ले जाता है। और जब एक्सॉन होता है वह प्रेशर करता होता है, यानी कि जो सूचनाएं होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या हमारी मांसपेशियों तक भेजने का कार्य करता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित तंत्रिका में कौन एक नहीं है? तो तंत्रिका जो है सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स यानी और मिश्रित न्यूरॉन होता है, बट उत्तेजक यहाँ पे राइट नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन कहते हैं, तो दोस्तों न्यूरॉन जो होता है वो हमारे मस्तिष्क की यानी जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी कार्य प्रणाली तंत्रिका ऊतक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन्स। दोस्तों अब तो न्यूरॉन्स किसे कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्नायु तंत्र की धागे की इकाई को कहा जाता है। धागे नुमा इकाई होती है जिसकी आकृति मैंने कई वीडियोज में बताया हुआ है, इस तरीके से होता है। ये आपका सेल, बीच वाला सेल बॉडी हुआ, ठीक है, ये आपका डेंड्रॉन्स हुआ, ठीक है, और यहाँ से आपका निकलता है एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन। तो इसके तीन भाग होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के प्रधान अंश से आदेशों को स्नायु तंत्रिकाओं के सिरों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? दोस्तों आदेशों को प्राप्त करने का काम करता है दूसरे न्यूरॉन से डेंड्राइट्स, उस संदेशों को पुनः दूसरे न्यूरॉन्स या पेशियों तक पहुंचाने का काम करता है, सिरों तक पहुंचाता है कौन? तो एक्सॉन पहुंचाता है, ठीक है, एक्सॉन पहुंचाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ग्रंथि जननेंद्रिय के विकसित करने में सहायक होती है? तो वह होता है दोस्तों आपका थाइमस ग्लैंड, जो बड़े होने पर धीरे धीरे बहुत ही छोटा या समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स की कमी के कारण शरीर बौना या छोटा हो जाता है? तो वह हार्मोन्स होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, जिससे बौनापन यानी डिवॉर्फिज्म हो जाता है, जो इसके कम स्त्रावण से यो इसमें होता है एक सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स, यानी इसको जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स भी बोला जाता है सोमेटोट्रोफिक को, जो दोस्तों सोमेटोट्रोफिक यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, इसके कम स्त्रावण से बौनापन यानी कि बचपन में कम स्त्राव से बौनापन हो जाता है, और युवाओं में कम वयस्क होने पर कम स्त्राव से पिट्यूटरी मैक्सिडिमा हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कि निम्न में से किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाने के कारण शरीर का भार कम हो जाता है? तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि के हार्मोन, जो थायरैक्सिन हार्मोन होता है, उसकी हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाने से थायराइड शरीर का जो है वो भार कम हो जाता है। अब मात्रा कम हार्मोन्स के कम स्त्राव से जो है शरीर का भार बढ़ने लगता है, दोनों का उल्टा हो जाएगा, यानी कि जब थायराइड ग्रंथि से जो थायरैक्सिन हार्मोन है वो ज़्यादा स्त्राव होने का तो भार कम हो जाएगा शरीर का, कम स्त्राव होगा तो शरीर का भार बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स की मात्रा घट जाने के कारण शरीर का भार बढ़ने लगता है? तो होता है थायराइड ग्लैंड। जैसा कि दोस्तों हमारे शरीर के समस्त जो है मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है वो थायराइड ग्रंथि जो है कार्य करती है उस पर, यानी कि शरीर की जो उपापचय क्रिया और उसके गति को नियंत्रित करती है किसके द्वारा? तो थायराइड ग्रंथि के थायरैक्सिन नामक हार्मोन के स्रावण से। नेक्स्ट है, शरीर में आयोडीन की कमी के कारण किस ग्रंथि के कार्य करने में बाधा पड़ती है? तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में होती है वो फूलकर बड़ा गुब्बारा सा हो जाती है, जिसे
गेंगारो या डिवॉर्फिज्म में कहा जाता है, गेंगारो या गोइटर कहा जाता है दोस्तों। डिवॉर्फिज्म आपका बोनेपन को कहा जाता है जो मास्टर ग्रंथि के कम स्त्राव से होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के लंगरहैंस दीपिकाओं के बीटा कोशिका से स्त्रावित होता है, जो जिसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट है, मूर्छा यानी थकान में एथलीट अनुभव करता है दोस्तों। तो मूर्छा यानी थकान में एथलीट जो होता है वह मूर्छा थकान यानी कि हल्का सा, जैसे कि मूर्छा थकान में एथलीट को धुंधला दिखाई देता है, मस्तिष्क में चुभती हुई पीड़ा होती है और त्वचा का पीला पड़ जाता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। यहाँ पे जो दो और ऑप्शन था दिखाई नहीं दे रहा है, तीसरा ऑप्शन था त्वचा का पीला पड़ जाना और डी था उपरोक्त सभी, यानी कि डी यहाँ पे राइट होगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं कम क्वेश्चंस के माध्यम से ज़्यादा देने की प्रयास करूँगी, एक एक क्वेश्चन से डिटेल में बताते हुए, जिससे आपको जो भी चीज़ें बताऊँ वो क्लियर होता जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।